पूछना। मेरी आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं आपकी स्किन और हेयर की ब्यूटी को एनहेंस करने के। सो चलिए वीडियो देखते हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको ये इजीली मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। आप चाहे तो विटामिन ई ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आज मैं 6 बेस्ट वे बताऊंगी कि आप कैसे विटामिन ई कैप्सूल्स को आपके हेयर और स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। एक कंटेनर में 1/2 टीस्पून हनी लीजिए। इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल को सुई से पोक करके उसके ऑयल को निकाल लीजिए। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को अपनी लिप्स पे अप्लाई कीजिए। ये मिक्सचर आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगा जिससे लिप्स सॉफ्ट एंड स्मूथ होंगे। इसे रात को सोने से पहले अप्लाई करके सो जाइए। दूसरे दिन सुबह आपके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ दिखेंगे। अब एक कंटेनर में 1 टीस्पून आलमंड ऑयल लीजिए। आपके पास आलमंड ऑयल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सोने से पहले इस मिक्सचर को अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करके सो जाइए। ये मिक्सचर आपके अंडर आई एरिया के रिंकल्स और डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। एक कंटेनर में थोड़ा सा मलाई लीजिए। अब इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इस मिक्सचर को अपने हाथों में और पैरों में अप्लाई कीजिए। इसे अपने हाथों पे अच्छे से मसाज कीजिए। अगर आपके फिंगर्स में रिंकल्स है तो इसे यूज करने से वो भी दूर हो जाएंगे। इसे 20-30 मिनट रखने के बाद गुनगुना पानी से अपने हाथों को धो लीजिए। अब एक प्लेट में थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लीजिए। इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए। रात को सोने से पहले अपने क्रैक हिल्स पे मिक्सचर को अप्लाई करके सो जाइए। ये आपकी क्रैक हिल्स को रिपेयर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब एक कंटेनर में 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल लीजिए। इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को अपने हेयर्स के स्प्लिट एंड्स पर अप्लाई कीजिए। विटामिन ई कैप्सूल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व है जो डैमेज हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, जिस वजह से हेल्दी हेयर ग्रोथ हो पाता है। अब एक कंटेनर में आपकी पसंद की मॉइस्चराइजर लीजिए। इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को एज अ नाइट क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करके सो जाइए। ये स्कार्स को फेड करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो डैमेज स्किन को ठीक करता है और स्कार्स को परमानेंट होने से रोकता है। इसकी मॉइस्चराइजिंग तत्व स्किन को हाइड्रेट और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। इन प्रोसेस को 7 डेज तक फॉलो कीजिए विजिबल डिफरेंस पाने के लिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।